हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल लिटरेचर एंड रैंडम वीडियोस पर नेहा सुल्ताना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑफकोर्स डू आर लवली कमेंट ऑन इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के जो ऑथर हैं उनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है। ही वॉज बॉर्न ऑन 16 अक्टूबर 1854 एंड डाइड इन 30 नवंबर 1900। एंड ऑस्कर, इनका नाम जो ऑस्कर वाइल्ड है, इनका फुल नेम है ऑस्कर फिंगल ओ फ्लेहरटाई विल्स वाइल्ड। Was an Irish poet and playwright. His father William Wilde was qualified as a surgeon. तो उनके यहाँ पर थोड़े से मैंने notable works भी लिख दिए थे। चलिए पढ़ेंगे। His notable works में first है The Picture of Dorian Gray और second one है The Importance of Being Earnest और third one है Salome एंड फोर्थ वन है द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल। और चलिए अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के कैरेक्टर्स। यहाँ पर मेजर कैरेक्टर्स है और यहाँ पर माइनर कैरेक्टर्स। तो मेजर कैरेक्टर्स में कौन है बोले तो जैक वर्थिंग है, सिसिली कार्डियू है, ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स, लेडी ब्रैकनेल, एल्गर्नन मॉनक्रिफ। और माइनर कैरेक्टर्स में हम देखेंगे मिस्टर थॉमस कार्डिव, मिस प्रिज्म, डॉक्टर शॉसिबल, लेन मेरियम सॉरी मेरिमन, मिसेस मॉनक्रिफ और जनरल मॉनक्रिफ। अभी हम लोग इन कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इनका क्या है काम इस ड्रामे में। जैक वर्थिंग, सो ए के ए ऑल्सो नोन एज अर्नेस्ट और मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग, अंकल जैक जॉन वर्थिंग दैट इज़ जे पी एंड अर्नेस्ट जॉन। एंड सो ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ड्रामा, अ रेस्पेक्टेबल यंग मैन हु लीड्स अ डबल लाइफ। ही गोज बाय द नेम अर्नेस्ट इन टाउन। ही अडॉप्टेड सन ऑफ मिस्टर थॉमस कार्डिव एंड जैक इज़ नॉट ओनली हेयर टू अ फॉर्च्यून बट ऑल्सो गार्डियन टू कार्डिव्स ग्रैंड डॉटर दैट इज सिसिली। एंड He falls in love with Gwendolyn Fairfax after a series of unfortunate events which lead to the discovery of his true identity. He was finally able to marry Gwendolyn Fairfax. Or second one hai Algernon Moncrief. He is Jack's best friend, Gwendolyn's cousin and Lady Bracknell's nephew. He is a charming bachelor who specializes in making witty remarks and bunburying, that is false or pseudo you can also say, which is to find clever ways to get out of social obligation. He pretends to be Jack's cousin Ernest in order to meet a Cicely Cardiff. फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है बोले तो ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स। तो ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स इज़ द डॉटर ऑफ लेडी ब्रैकनेल एंड अल्गर्नन्स कज़िन एज वेल एज जैक्स लव इंटरेस्ट। एंड लव इंटरेस्ट मतलब वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता है। कौन? अल्गर्नन। ओके नहीं, ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स इज़ द डॉटर ऑफ लेडी ब्रैकनेल। ठीक है, ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स लेडी ब्रैकनेल की बेटी हैं और एल्गर्नन की कज़िन है एज वेल एज, हाँ सॉरी, जैक का लव इंटरेस्ट है ये, एल्गर्नन का नहीं, सॉरी। और शी इज़ स्टाइलिश एंड सफिस्टिकेटेड। शी हैज़ ओपिनियनेटेड व्यूज ऑन मैटर्स ऑफ टेस्ट, मोरालिटी एंड फैशन। शी इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज बीइंग pretentious as shown in her attitude of refusing to marry anyone except the man with the name of Ernest. Fourth character hai major mein se Cicely Cardiff. So Cicely Cardiff is a young lady who lives with Jack. She is the granddaughter of Mr. Thomas Cardiff and catches the eye of Algernon. Or Cicely daydreams a lot and likes writing in her diary more than studying. She imagines a romantic engagement are wah with Jack's cousin who she thinks is called Ernest. अगर आप लोगों को इसका explanation video भी अगर चाहिए होगा तो
तो प्लीज़ एक 100 लाइक्स कर दीजिए इस वीडियो पे और एक 150 कमेंट्स कर दीजिए इस वीडियो पे, और इस वीडियो पे 200 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाएंगे तो मैं आई डेफिनेटली मेक अ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. ओके, लेडी ब्रैकनेल है इस ड्रामे में. शी इज़ एल्गर्नन्स आंट एंड इज ग्वेंडोलिन्स जजमेंटल मदर एंड कॉल्ड आंट अगस्टा बाई हर नेफ्यू एल्गर्नन. एंड शी हैज़ अ फ्रम व्यू ऑन मैरिज strongly to the Victorian social custom, class and traditions, and she objects against Jack wanting to marry Gwendolyn due to his questionable background, parentage. And Miss Prism है एक major character. तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ते हैं. तो Miss Prism जो हैं, Miss Prism is Cicely's strict and overly proper teacher. सिसली के ये केयर टेकर भी आप कह सकते हो. और शी हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट आइडियाज़ अबाउट वॉट इज राइट एंड रॉन्ग विच समटाइम्स सीम अ बिट सिली. शी इज़ रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन डॉक्टर चौसेबल. कौन? मिस प्रिज्म. वो बच्ची नहीं, सिसली नहीं, मिस प्रिज्म की बात चल रही. तो मिस प्रिज्म रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन डॉक्टर चौसेबल. शी इज़ रैदर एब्सेंट माइंडेड और विच मेड हर मेक a mistake in the past, abandoning Jack in a handbag and leaving him at Victorian station, you can call, 28 years ago. Dr. Chausable is the minister in Jack's countryside, and Algernon and Jack want him to be baptized them as a earnest. Baptize ka matlab hota hai Christians mein ek ritual hai. नाम हमारे पास नाम रखना बोलते ना, वैसे क्रिश्चियंस में बैप्टाइज का मतलब होता है जब पैदा हुआ सो बच्चा जो रहता है उसका नेमिंग सेरेमनी जो कहते हैं हम आम जबान में, उसको क्रिश्चियंस में बैप्टाइज बोला जाता. तो ये लोगों को बहुत ज़रूरत रहती क्योंकि इन दोनों के जो लड़कियाँ रहते हैं अगर इनका नाम अर्नेस्ट रहा तो ही वो लोग इनसे शादी करने वाले रहते. तो ये लोग डॉक्टर चौसेबल के पास जाते, जाकर अपना नाम बदलो बोलकर बोलते. तो इस चीज़ को हम बोलेंगे बैप्टाइजेशन. तो हाँ, ओके, वॉन्ट हिम टू बी बैप्टाइज देम एज अर्नेस्ट. डॉक्टर चौसेबल्स लव इंटरेस्ट इज मिस प्रिज्म. और मिस्टर थॉमस कार्डिफ देर द रिच मैन हु अडॉप्ट्स Jack as a baby and charges him with the guardianship of Cicely. Though he never actually appears as a character in the play, he is referenced a few times. और इसके बाद में है Mrs. Moncrief. She is a Lady Bracknell's sister and Algernon's mom. She is also the mother of the baby boy left in the handbag at Victoria Station, मेकिंग हर जैक्स मॉम टू. तो यहाँ पर क्या होता बोले तो ये जो मिसेस मॉनक्रिफ की लापरवाही के वजह से इनके बहन का जो बच्चा रहता, लेडी ब्रैकनल का जो बच्चा रहता, जो अर्नेस्ट वर्थिंग है, वो आज से मतलब 28 साल पहले विक्टोरिया स्टेशन पर एक हैंड बैग में वो बच्चा कैरी करे सो रहते. कौन? मिसेस मॉनक्रिफ. तो इनकी लापरवाही के वजह से वो बच्चा विक्टोरिया स्टेशन पे गुम जाता है इनके हाथ से. किसके हाथ से? मिसेस मॉनक्रिफ के हाथ से. तो ये भी बहुत मेन कैरेक्टर है पूरे ड्रामे में. और इसके बाद हमें आते हैं जनरल मॉनक्रिफ. मिसेस मॉनक्रिफ्स हस्बैंड एल्गर्नन्स फादर एंड लेडी ब्रैकनेल्स brother in law, and he also turns out to be Jack's father. और लेन है एल्गर्नन का बटलर. बटलर का मतलब होता है खाना पकाने वाला. ठीक है, ये लेन जो है एल्गर्नन का खाना पकाने वाला रहता. और मेरीमन क्या है बोले तो जैक्स की बटलर. जैक की खाना पकाने वाली का नाम है मेरीमन और एल्गर्नन का खाना पकाने वाले का नाम है लेन. तो खाना पकाने वाले को हम इंग्लिश में कहते हैं बटलर. तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है. उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए रियल लिटरेचर एंड रैंडम वीडियोस पर नेहा सुल्ताना के चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए.
See you in the next video. Bye bye.